ऑल इंडिया नीट के परीक्षा परिणामों में सीएलसी अलवर की छात्रा की देश में 643वीं रैंक आने के बाद संस्थान द्वारा शहर में छात्रों की रैली निकाली गई, जिसमें न सिर्फ नियमों को ताक में रखा गया बल्कि जिस हिसाब से छात्र छात्राओं को टेम्पो की छत पर बैठाकर रैली निकाली गई, इससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन कोचिंग संस्थान सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए बच्चों की जान की परवाह भी नहीं कर रहे। नहीं सर, एक्चुअली बच्चों को किसी को बाहर नहीं किया गया, बच्चे मैक्सिमम 20 आ सकते हैं, उसकी जगह हमने 15 ही रखे हैं बच्चों को, और जितने कैपेसिटी हो सकती है टेम्पो उससे कम ही रखने का प्रयास किया, तो इसमें कहीं पे भी ये मैसेज देने का प्रयास नहीं किया कि बच्चों को हम कुछ ऐसा सिखाएंगे, हमारी तरफ से पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। रही बात टीचर्स की, टीचर्स जरूर साथ में खड़े थे ताकि कोई बच्चा बाहर ना हो उसके, इसलिए वो एज ए गार्ड वहाँ पे साथ में छत पर ही सर, आगे का प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर बैठे थे, तो वो जायज तो नहीं है, लेकिन ठीक है बच्चे रैली के अंदर कुछ थोड़ा बहुत कर लेते उसमें बनता है जी। ट्रैफिक रूल्स के लिए बकायदा एसपी साहब से परमिशन ली गई थी और ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे साथ थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं पे भी हमने गाड़ियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। सीएमएच ऑफिस भी हमने गाड़ियाँ रोकी हैं, वो सिर्फ एक बच्ची की गाड़ी को सम्मानित करने के लिए रोका था, बाकी सारी गाड़ियों को रवाना कर दिया था, तो उसमें कहीं पे भी हमने ये फील नहीं होने दिया शहर में कि कहीं पे भी हमारी रैली की वजह से कोई यातायात बाधित हो रहा हो या कुछ हो।